राम एक दिन का विकास नहीं है, वो अपने पूर्वजों की लाखों परंपरा का अंतिम एक ऐसा प्रस्तुति है जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो मनुष्यता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनके वंश को इक्ष्वाकु कहा जाता है। इक्ष्वाकु अर्थात ईख, गन्ना। ईख एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी फसल है जिसका सब कुछ यूटिलाइज होता है। रस भी यूटिलाइज होता है, जो गंदगी निकलती है वो भी यूटिलाइज होती है, जो पत्तियां निकलती हैं वो भी यूटिलाइज होती हैं। वो इक्ष्वाकु वंश के हैं। ईख की तरह ही ना राम का रस समाप्त होता है ना यश समाप्त होता है। राम सिंहासन पर बैठे हैं लेकिन उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ, उसके बाद भी वे राम हैं। क्योंकि माना जाता है कि सिंहासन पर बैठने मात्र से ही कोई सिंह नहीं बनता। हमारा शास्त्र कहता है, ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वना विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। जब शेर को राजा मानता है जंगल, तो शेर की कोई ओथ सेरेमनी नहीं होती कि जंगल के बाकी शेरों को बुलाओ, वो पीछे खड़े होंगे और राज्यपाल शपथ दिलाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो अपने विक्रम से इसे अर्जित करता है। आपने कभी शेर को बाउंड्री बनाते हुए देखा है? मैंने रणथंभौर में देखा है। रात को एक दिन कभी सम्मेलन से लौटते हुए श्योपुर कला से मैं आ रहा था, जंगल में खड़े होकर एक बड़े पेड़ के सहारे वो बड़ा मृगेंद्र अपने पंजे मारकर तय कर रहा है टेरिटरी। शेर एक टेरिटरी बनाता है, उसमें दूसरा शेर नहीं घुसता। अगर दूसरा शेर घुसता है तो चुनौती सामने आमने हो जाती है, फिर जिसमें दम होगा वो रुक जाएगा। हमारे निराला कहते हैं कि ठहरा वही जिसमें बल है वही जीतता है। पश्चिम की युक्ति नहीं, गीता है, गीता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसलिए वे राम अंधकार पर सूर्य की किरण के प्रतीक के समान है। अब यहां जो लड़ाई है, हमारे यहां बाबा तुलसी ने कहा ना, एक बाण काटी सब माया जिम दिनकर हर तिमिर निकाया। एक बाण चलाते हैं और माया को सब समाप्त कर देते हैं। बात अंधेरे की नहीं है, बात डार्क नेटवर्क की है। गांधी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, ईसा मसीह हो, हुजूर मोहम्मद साहब हो, राम और कृष्ण हो, इनकी लड़ाई अंधेरे के नेटवर्क के खिलाफ है। यूं सोच के देखिए कि अगर बुद्ध ना होते तो क्या होता, यूं सोच के देखिए गांधी ना होते तो क्या होता, यूं सोच के देखिए राम ना होते तो क्या होता। इसलिए इस डार्क नेटवर्क के खिलाफ है। इसलिए एक महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूं, राम लाइट नहीं है, राम साइट है, दृष्टि है। लाइट बंद हो जाती है तो उसके बाद अंधेरा छा जाता है, लेकिन अगर आपको अंधकार में देखने की दृष्टि मिल जाए तो आप उस अंधकार को भेद के भी आगे निकल सकते हैं। राम ने अरबों अरबों लोगों को लाखों लाखों वर्ष से एक दृष्टि दी है कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है। आदमी भयंकर अंधेरे में गिरता है, उसके बाद कहता है कि नहीं, राम से सीखना है। दुनिया का कोई भी आइंस्टाइन ऐसा बल्ब नहीं बना पाया जिसमें एक बल्ब को दूसरे बल्ब से छुआ हो तो उसमें रोशनी हो जाए। केवल राम है, केवल कृष्ण है, केवल बुद्ध है कि रोज हमारे जीवन से छूते हैं और हमें रोज प्रकाश से भर देते हैं। उत्तर से भारत तक की जो यात्रा की है राम ने, वो जो राम की हिजरत, अच्छा राम दो बार हिजरत पर गए। हिजरत मतलब यात्रा पे गए। एक बार तो उन्हें विश्वामित्र लेकर गए, जब उन्होंने कहा कि वो हड्डियां देखी उन्होंने मुनियों के और कहा कि निश्चरहीन मही करो भुज उठाए प्रणकीन, मैं इन्हें मार दूंगा सबको। एक बार वो 14 वर्ष के लिए गए। और दुनिया के हर आदमी को हिजरत करनी पड़ती है जिसे कुछ करना है जीवन में। जो लोग कहते हैं कि बाहर में नौकरी करने जा रहा हूं कैसे जाऊंगा, जो लोग आज देख रहे हैं आज तक, जिनको ये समस्या हो कि मैं कैसे बाहर नौकरी करूंगा, लोगों का स्थानांतरण हो जाता है तो लोग आपसे फोन करके कहते हैं कि हमारा स्थानांतरण रुकवा दीजिए, ट्रांसफर रुकवा दीजिए। राम अगर घर से ना निकलते तो राम राम ना होते। दो बार हिजरत की। और हमारे शायरों ने कहा कि पयंबरों से जमीनें वफा नहीं करती। बुद्ध भी निकले, महावीर भी निकले और राम भी निकले, कृष्ण भी निकले, द्वारिका जाना पड़ा गोकुल छोड़कर। पयंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे जो अपने घर रहते। पयंबरों से जमीनें वफा नहीं करती। इसीलिए जो बाहर आएगा, जो अपने से बाहर आएगा, उसको दुनिया मिलेगी। डॉक्टर कुंवर बेचैन हिंदी के लोकप्रिय गीतकार, उन्होंने पंक्ति लिखी कि अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला।
हंसते गाते फूलों को ही जबकि आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, और जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। इसलिए राम गांधी के बहुत काम आए। बापू के जीवन में राम का बड़ा प्रभाव है, और यह आश्चर्य है कि जिस राम को जीवन भर बापू ने पकड़े रखा, एक मूर्ख व्यक्ति के उन्मादी कृत्य के बाद भी जब बापू पृथ्वी पर गिरे तो उसी राम का सहारा लेकर गिरे और हे राम बोलते हुए पृथ्वी पर गए।